अज इंसान हर जगह कब्जा जमाण की कोशिश करता है क्योंकि बंदे की जी मैं ना ये बड़ी जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लेंदी है। ताही असी दसीदा है कि इतों उठ के तुसी थोड़े बाहर चले जाओ ना तो मुड़ के तुहाडे आंदे ने इत्थे कोई होर बैठा होवे तो तुसी कहना ओए मेरी जगह तो तू किदा बह गया तो जगह मेरी है। असी कहना बड़ी जल्दी रजिस्ट्री करा ली भरावा, रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल दिखा दे, तेरे नाँ ते इन्नी जल्दी हो गई कि दो मिनट बैठा जगह तेरी हो गई। होंदा कि नहीं इस तरह बंदा बस के सफर कर रहा कि सीट पर बैठा होवे ना माड़े टिकट कटाने की खातर उठे तो उत्थे कोई होर ओए मेरी सीट पर तू कि बह गया मैं तो माड़े कम गया सी मेरी सीट अच्छा बेली कर। हर जगह बंदा अपनी मैं नू जोड़ लैंदा है, मेरी नू जोड़ लैंदा है, हर चीज से बंदा बड़ी जल्दी कब्जा करन की कोशिश करता है। एक दायरे के अंदर बंदा हर चीज़ नू बनन की कोशिश करता है। इसलिए परमात्मा ने कहा मैं निरंकार ही ठीक हाँ क्योंकि जे मैं अपना आकार बना लिया तो एक कौम ने एक धर्म ने मैनू भी अपने कब्जे च लैके बह जाना सी। ये तो रब साडा ही है, ये किसी होर का हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने अपने आप को निरंकार रखा क्योंकि बंदा की करता है बंदा किसी भी चीज़ से बड़ी जल्दी पकड़ बनाता है। और फिर बंदे की नज़रिया की है, बंदे की सोच की है कि बंदे की सोच असी कई बार दसीदा कि जिदा एक कुएं का मेंढक होंदा ना उसकी सोच उस दायरे अंदर वजी होंदी है तो बंदे की सोच भी उस दायरे के अंदर ही वज जाती है। क्योंकि अज बंदा रूहानियत नूं नहीं देखता, परमात्मा नूं नहीं देखता जो सब के अंदर बैठा है। अज बंदा पकड़ लैंदा है बाहरले आकारां नूं, बाहरले शरीर नूं। इसलिए परमात्मा ने अपना कोई शरीर नहीं रखिया, अपना कोई आकार नहीं रखिया। नहीं तो तुसीं किदां दूजियां नूं अलग कर देंदे हो, शरीर नाल ही करदे हो ना, पहरावे नाल ही करदे हो ना। जे किसी ने टोपी लाई हुई है ये मुसलमान है, जे किसी ने तिलक लाया हुआ है ये हिंदू है, किसी ने पगड़ी बन्नी है ये सिख है, किसी ने क्रॉस पाया है ये ईसाई है। असी पहराविया नाल ही बंदे नूं बंड के रख देंदे हैं क्योंकि जिद्दां ही कोई चीज़ आकार च आ गई असी उहनूं बंड देंदे हैं। पर जिहड़ी चीज़ का आकार ही ना होवे उह चीज़ नूं असी बंड ही नहीं सकते। ताही तो असी कई बार दसीदा है कि मेवे भी जे देख के हैरान हो गए, मेवे भी जे देख के हैरान हो गए के नारियल कब हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अज नारियल नूं भी कहिंदे हिंदू, ये हिंदुओं के मंदिर चढ़ता है, तो खजूर नूं कहिंदे मुसलमानों का फल है क्योंकि रोजियां च मुसलमान खजूर खाते है, यह मुसलमानों का फल है। इसलिए जरा गौर करना, कह देंदे हरा रंग मुसलमानों का, लाल रंग हिंदुओं का, तो फिर तो ऐसी क्या बड़ी हैरानी की गल हो जाएगी। जे हरा रंग मुसलमानों का हो गया, लाल रंग हिंदुओं का हो गया, तो हिंदुओं के हिस्से तो फिर टमाटर ही आएंगे, बाकी सारिया सब्जियां तो मुसलमानों मिल जाएगी क्योंकि सारिया हरिया है, मटर हरे, किनिया हरिया सब्जियां है, गोभी हरी, मटर हरे, तो फिर टमाटर ही रह गए। तो बेचारा जल्द तरबूज होएगा वो तो परेशान हो जाएगा कि बाहरों मैं हरा अंदरों लाल, मैं कहे हिस्से आवा, मैं कहे हिस्से आवा भाई, बाहरों मैं हरा, बाहरों मुसलमान है, अंदरों हिंदू हाँ, क्योंकि हिंदू लाल रंग हिंदुओं का हो गया। अज रंगा नूं भी बंदे ने धर्मां च बंड के रख दिता। बोलो गल सही है कि नहीं? इसलिए कितने हरा रंग देखो ये पीरां दा मुसलमानां दा दरबार, कितने लाल रंग देख लो ये मंदिर है हिंदुओं का, मंदिर माता दे लाल झंडा चढ़ता है, ये हिंदुओं का मंदिर। अज रंगा नाल ही बंदा बंदे नूं बंड के रख दिंदा है। तो जरा सोचो अज बंदे ने फलां नूं नहीं बख्शिया, रंगां नूं नहीं बख्शिया, तो जे रब आ जांदा दुनिया ते आकार लैके तो बंदे ने उहनूं बख्श देना सी? जरा सोचो, बंदे ने तो उन्होंने भी नहीं बख्शना से, बंदे ने उन्होंने भी कह देना से कि हुण तू साडा हो गया, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, उन्होंने भी बंदे ने बंड के रख देना से। इसलिए परमात्मा कहिंदा मैनू भाई निरंकार ही रहन दिओ, मैं आकार जाना नहीं क्योंकि मैं झगड़े च पैणे ही नहीं जातां पातां दे, मैनू धर्मां तो बाहर ही रहन दिओ। और वाकई प्रभु धर्मां तो बाहर है, इसलिए जिहड़ा भी उस तक पहुँचदा है धर्मां तो बाहर होके ही पहुँच सकता है।